हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पोर्ट्स ब्रा बनाना बता रही हूँ टी शर्ट के कपड़े से, जो स्ट्रेचेबल होने के कारण काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो इसके लिए मैंने एक टी शर्ट यहाँ पे ले ली है। इसको हम 12 इंच लंबाई लेंगे। यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। इसको सीधा करके पूरा कट कर लेंगे नीचे के हिस्से को। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। चार लेयर में हो गया है। नीचे की जो सिलाई है उसको हम वैसा ही रखेंगे। अब 9 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। इसको सीधा कर लेंगे और लाइन के ऊपर से कपड़े को कट कर देंगे। अब जिधर से ज्वाइंट में है उस साइड से हम लेंगे 3.5 इंच और नीचे की साइड हम लेंगे 4 इंच। इसको मिला देंगे सीधा और नीचे इधर जहाँ पे आप देख रहे हैं 3.5 पे मार्किंग करके इसको राउंड दे देंगे। अब यहाँ ऊपर शोल्डर स्ट्रिप के लिए हम रखेंगे 1.5 इंच। और जो हमने नेक की डीप ली है सेम उसी के उसका लंबाई का हम शोल्डर के साइड से कट करेंगे। दोनों साइड से कट कर देंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सिंपल है इसकी कटिंग करना। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सबसे पहले हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। ये सबसे इजी तरीका है स्पोर्ट्स ब्रा बनाने का। शोल्डर की सिलाई हो गई है और यहाँ पर मैंने एक पहले वीडियो डाला हुआ है कि किस कपड़े में हम किस नंबर की सुई यूज़ कर सकते हैं। जैसे टी शर्ट का कपड़ा है तो इसमें अलग सुई लगती है। अब 1.5 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप कट करके हम शोल्डर की साइड में अटैच करेंगे। पहले अंदर की साइड से सिलाई लगा करके उसको हमें बाहर की साइड फोल्ड करना है। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, दोनों साइड की सिलाई हो गई है इसकी स्ट्रिप की। अब हम इसके नेक पे पट्टी अटैच करेंगे। ये अंदर की साइड हमें लगानी है। इसमें ध्यान रखें, टी शर्ट वाली जो आप ब्रा बना रहे हैं स्पोर्ट्स, उसमें सबसे पहले हमें शोल्डर की ही सिलाई करनी है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छे, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू। अब इसको हम पूरा राउंड में अटैच कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 11/75 नंबर की नीडल यूज़ की है। स्ट्रिप को हम बाहर की साइड मोड़ करके सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये ब्रा बनाई मैंने 36 नंबर की। ये 36 और 38 नंबर में बिल्कुल अच्छे से फिट होगी क्योंकि कपड़ा स्ट्रेचेबल है। और आप जिस भी साइज की ब्रा बनाते हैं उसके लिए हमें सेम उतना ही नाप लेना। जैसे मैंने यहाँ पे 36 बनाया है तो 9 ही लिया है, 9/4 36। अब हम कमर के लिए इलास्टिक लेंगे। जो नीचे सिलाई थी टी शर्ट में उसको हमने कट नहीं किया है। अब ये पतले वाली इलास्टिक है तो इसको हम डबल करेंगे और सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें डाल देंगे। ब्रा के नीचे वाले हिस्से में जो सिलाई है टी शर्ट वाली, उसी में दोनों पार्टों में एक साथ डालेंगे। ये जितनी आपकी कमर है उससे आप 2 इंच कम ले इलास्टिक को। अगर ज़्यादा कम लेते हैं तो फिर वो नीचे में गड़ता है। अब हम करेंगे इसकी साइड की सिलाई। इसमें हमें मात्र 1/2 इंच कपड़ा अंदर दबाना है दोनों साइडों में। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि किस कपड़े में किस नंबर की हमें सुई यूज़ करनी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप वीडियो को कमेंट जरूर करें।